हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके प्यारे चैनल द फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम 11th क्लास के यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशन कर रहे थे बेटा, उसकी थर्ड एप्लीकेशन जो है वो आज हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो देखिएगा, एप्लीकेशन जो है बेटा, थर्ड एप्लीकेशन जिसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे। और क्या यूज होगा उसका? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनोदर सिस्टम ऑफ यूनिट, अनोदर सिस्टम ऑफ यूनिट। कहने का मीनिंग ये है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आज हम सीखेंगे, जिसमें हम डाइमेंशनल फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा। तो उससे पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट समझ लेते हैं, यानी कि यूनिट सिस्टम क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यूनिट सिस्टम समझना। और ध्यान दीजिए, यूनिट सिस्टम में हम तीन तरीके के सिस्टम यूनिट यूज करके चलते हैं। एमकेएस सिस्टम, दूसरा है बेटा हमारा सीजीएस सिस्टम, तीसरा है हमारा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको समझाने से पहले मैं आपको ये क्या होता है इसके बारे में समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे कि मेरा मास, मैंने अगर मान लो मास की बात करता हूं तो मेरे अंदर है 70 kg मास है। क्या है बेटा? 70 kg मास है मेरे अंदर। ओके, तो 70 kg मास को अगर मैंने कन्वर्ट कर दू ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये आपकी जो यूनिट थी किसकी थी? मास की, केजी। और ये किसकी यूनिट है? ये भी ग्राम जो है ये भी मास की यूनिट है। तो यहां से आपके पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट हो गया है दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, जिसमें आपके पास जो ये 70 था ये भी 70,000 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम कन्वर्सेशन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसका हम यूज करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले से यूज करेंगे। ठीक है, का यूज करेंगे इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो केजी था ये मास की बेटा बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, और ये जो ग्राम था ये भी मास की यूनिट होती है, लेकिन ये छोटी यूनिट होती है मास की। तो इसी बेस के ऊपर बेटा हमने यूनिट सिस्टम को तीन हिस्सों बांटा हुआ है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में। तो यहां से देखिएगा, सबसे पहली बात करता हूं लेंथ को किसमें लिखा जाता है, या लेंथ को हमेशा किसमें नापा जाता है बेटा? मीटर में। ये जो M लिखा हुआ है ये मीटर के लिए लिखा हुआ है बेटा, यानी कि जब भी अगर आप लेंथ को मीटर में नाप रहे हो तो वो एम के सिस्टम में काउंट होगा। ठीक है, और मास को किस में नापा जाता है बेटा? केजी में, जिसे मैंने अभी दिया था। तो ये जो K लिखा हुआ है ये केजी के लिए लिखा हुआ है, यानी कि मास को केजी में नापो। और टाइम को अगर आप नापते हो सेकेंड में, तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में लेके चल रहे हो, तो उसकी जो यूनिट होगी वो एमकेएस सिस्टम यूनिट कहलाएगी बेटा। ठीक है, क्या कहलाएगी? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएगी। लेंथ को जब आप सेंटीमीटर में नाप रहे हो, मास को आप ग्राम में नाप रहे हो और टाइम को फिर से सेकंड में ही नाप रहे हो, तो बेटा ये सीजीएस सिस्टम है। देखो, लेंथ को सी सेंटीमीटर यानी कि सी, मास को ग्राम यानी कि जी और टाइम को सेकंड यानी कि एस। ठीक है, तो ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएगा। अगला देखिएगा, अगर आप बेटा लेंथ को फुट में नाप रहे हो, मास को अगर आप पौंड में नाप रहे हो, ठीक है, और टाइम को अगर आप बेटा सेकंड में नाप रहे हो, देखो फुट लेंथ को, पौंड मास को और टाइम को सेकंड में नाप रहे हो, तो ये एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएगा। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा, फोर्स की बात अगर मैं करता हूं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको याद भी होगा, ये आपने कई बार देखा भी होगा, फोर्स यानी कि एफ इज इक्वल टू एम ए मास। तो अगर मैं यूनिट लिखना चाहूं फोर्स की, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट अगर बेटा मैं लिखना चाहूं, तो मास को नापते हैं हम केजी में, एक्सेलरेशन की बात करो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को नापते हैं बेटा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? यूनिट ऑफ वेलोसिटी
या स्पीड क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये वेलोसिटी के नीचे टाइम हो रहा है बेटा एक, और तो यहां से क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर आ जाएगा नीचे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई, एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास को केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये होती है बेटा फोर्स की यूनिट, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन बोल देते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना बड़ा नाम ना बोलते हुए शॉर्ट में इसको न्यूटन बोल देते हैं। पर न्यूटन का एक्चुअल मीनिंग होता है क्या बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो ये जो यूनिट है किसकी, फोर्स की, देखो मास केजी में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में लिया जा रहा है। तो ये जो यूनिट लिखी हुई है, इस यूनिट को हम फोर्स की एमकेएस सिस्टम की यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फोर्स की एमकेएस सिस्टम में लिखी हुई यूनिट है। इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये जो आपका केजी, केजी जो है बेटा आपको, देखिए मैं कहता हूं कि किसी बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं वन न्यूटन, वन न्यूटन का मीनिंग वन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, क्या वन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। किसी बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगा रखा है वन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वन न्यूटन। अच्छा एक काम करते हैं, देखो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं वन केजी लिखा हुआ है, तो वन केजी को ग्राम में लिखने के लिए हजार लिखोगे, मीटर मान लो यहां पर वन मीटर लिखा हुआ है, तो वन मीटर को सेंटीमीटर लिखने के लिए सौ सेंटीमीटर लिख दोगे इसकी जगह, नीचे सेकंड को सेकंड स्क्वायर ही रहने दो। तो बेटा हजार गुना सौ कितना हो गया, पांच जीरो हो जाएगी बेटा, यहां पर तीन जीरो दो, ये तो पांच जीरो, ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको देखो दस एक के पीछे पांच जीरो, तो इसको बेटा शॉर्ट में दस की पावर पांच लिख सकते हो आप, ग्राम पर सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी एक शॉर्ट नाम दिया गया है बेटा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड को डाइम, यानी कि वन न्यूटन जो था हमारा वो दस की पावर फाइव डाइम के इक्वल होता है। जैसे वन केजी हजार ग्राम के इक्वल होता है, तो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी ये एमकेएस यूनिट थी। अब देखो ग्राम मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मीनिंग ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो चुकी है, सीजीएस सिस्टम में। तो यहां से वन एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 10^5 यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम के इक्वल होती है, क्लियर बेटा ये चीज। तो ये होती है बेटा आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस में नाप रहे हो, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में नाप रहे हो तो सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग नाप रहे हो, अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को केजी मीटर सेकंड की फॉर्म में नाप रहे हो तो आप बेटा उसको एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग नाप रहे हो, अगर आप फोर्स सॉरी फुट पाउंड और सेकंड की फॉर्म में नाप रहे हो तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को किस में नाप रहे हो बेटा, एफपीएस सिस्टम का आपके अकॉर्डिंग नाप रहे हो। तो ये था सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी का बेटा हम बात करेंगे। ये मुझे समझाना बहुत जरूरी था थर्ड एप्लीकेशन करवाने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस की, बहुत जरूरी चीज थी बेटा ये समझाने के लिए। तो अब मैं आपको अपने इसी टॉपिक के ऊपर जो आज हम करने वाले थे इसके ऊपर लेके चलता हूँ, और इस टॉपिक को हम आज क्लियर करते हैं थर्ड एप्लीकेशन में हमें क्या चीज सीखने को मिलेगी। देखिए बेटा ये जो x n u ये फॉर्मूला ही मान लीजिए आपके लिए, अभी फॉर्मूला ही होगा पर मैं समझा देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। एक्स इज इक्वल टू एन यू, देखो बेटा मान लो मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रखा है, कितना लगा रखा है 5 न्यूटन। ये क्या है, नाम है फिजिकल क्वांटिटी का, यानी कि मैंने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रखा है तो फोर्स एक नाम हो गया, यानी कि नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का बेटा ये है नाम। दूसरा कितना फोर्स लगा रखा है, यानी कि अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बेटा। और ये क्या है उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, ये जो एक्स लिखा हुआ है ये नाम बताता है किसका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरा जो मास है वो 70 केजी है,
देखो बेटा ये नाम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है, ये अमाउंट कितना है वो लिखा हुआ है, वो पीछे लिखी हुई इसके साथ यूनिट। तो बेटा ये एक्स बताता है नाम के बारे में, एन बताता है अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यानी कि जब भी आप किसी भी चीज को लिखते हो तो हमेशा इसी तरीके से लिखते हो ना। जैसे आप कहते थे, आपने मैथ में क्वेश्चन भी पढ़े हुए 10th क्लास में, आपने कहा कि एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ, ऐसे लिखते थे ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है बेटा वो 10 मीटर है। तो देखो लेंथ लिखा पहले, नाम लिखा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, और फिर उसका अमाउंट लिखा, फिर उसके साथ उसकी यूनिट लिख दी। इसी तरीके से लिखते हैं हमेशा। ओके, अब इस बात के साथ साथ मेरी एक बात के ऊपर और ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए मैं बात करता हूं फोर्स की, मान लो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। सोच के चलिए, फोर्स का एग्जांपल ले रहा हूं, जरूरी नहीं होता फोर्स से हम सारी चीजें पढ़ेंगे, फोर्स एक एग्जांपल के तौर पर लेके चल रहा हूं बेटा मैं। फोर्स मान लो एक बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, उसी बॉडी के ऊपर मैं कहता हूं मैंने लगाया इतना फोर्स, तो क्या मैं बात करूं ये दोनों सेम ही है, दोनों फोर्स सेम ही है, क्योंकि 1 न्यूटन टेस्ट पर 5 डायल की कोई तो होता है। मैं से बात करता हूं कि मेरा मास 70 kg है और मैं लिखता हूं 70,000 ग्राम, तो मैंने क्या सेम लिखा है या दोनों अलग अलग है? सेम ही है बिल्कुल। यानी कि देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या F1 है, यहां पर फोर्स, यहां पर फोर्स F2 है, यानी कि F1 और F2 दोनों सेम ही है। F1 की वैल्यू 1 न्यूटन, F2 की वैल्यू 10^5 dN, कहने का मीनिंग F1 F2 दोनों बेटा सेम ही है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो सेम ही है, बट उसकी क्या चीज होगी, देखो n, ये N1 था ये N2 हो गया बेटा, यानी कि अमाउंट चेंज हो जाता है कब, जब यूनिट चेंज होती है बेटा, अमाउंट चेंज हो जाता है कब, जब यूनिट चेंज होती है तब। क्लियर ये चीज सभी को? तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, एक चीज देखो ध्यान समझिएगा मेरी बात को, मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल्स टू N1 U1, x इज इक्वल्स टू N2 U2। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने सेम ही लेके चला हूं, क्योंकि अगर मैं x1 x2 मानता यहां पर तो वही बात होती। देखो यहां पर बेटा ये अमाउंट चेंज हो जाता है यूनिट चेंज होने से, यूनिट देखो चेंज हुई, U1 से U2 हो गई यूनिट, बट नाम सॉरी अमाउंट भी चेंज हो गया, बट वो क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, है ना। मैं कहूं मेरा मास इतना है, यानी कि मेरे अंदर मास इतना है, तो यहां पर भी वो एम ही तो बोला जाएगा बेटा। बात आई समझ में आप सभी को? तो ये है बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की थी, ये क्या है यूनिट। क्लियर? अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो बेटा राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम होगी, इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि 1 न्यूटन 10^5 dN के इक्वल होता है। ये बात गलत तो नहीं कह रहा मैं, तो ये लिख दिया आपने। अच्छा, यू टू को उसके नीचे ले जाओ तो U N1 U1 / U2, ये फॉर्मूला ही आएगा। देखो यहां से जो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर्मूला ही यहां से जनरेट करूंगा बेटा मैं। अच्छा, यूनिट जो होती है उसको डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में देखो, यूनिट जो U1 थी, U1 ऐसे जो यहां पर देखो U1 थी वो MKS सिस्टम में थी, और U2 थी वो CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग लेके चल रही थी। यहां पर भी देखो U1 जो है वो MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग लेके चल रही, U2 जो है वो किस में कन्वर्ट कर दी, CGS सिस्टम में। तो यहां से आपके पास जो ऊपर लिखा हुआ है बेटा वो MKS सिस्टम की यूनिट है, जो नीचे लिखी हुई है वो CGS सिस्टम की यूनिट है, ठीक है बेटा। अच्छा, यूनिट को किस में कन्वर्ट किया गया है, यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है डाइमेंशनल फॉर्मूले के अंदर बेटा। डाइमेंशनल फॉर्मूले में लिखने का तरीका क्या होता है, MLT, और उनकी पावर कुछ भी हो सकती है, तो ABC मान लेता हूं, ठीक है। तो U1 को अगर मैं लिखना चाहूं डाइमेंशनल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मैं लिख लेता हूं M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। मास बेटा यूनिट किस में है, ये U1 किस यूनिट में ली जा रही है, MKS सिस्टम में, तो मास kg में, लेंथ V आपके मीटर में, और टाइम सेकंड में। अगर U2 की बात करूं तो U2 क्या है, फोर्स की ही यूनिट है बेटा, तो फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो A, B और C तो वही रही, पावर तो इसकी M की, L की और T की पावर दोनों जगह सेम ही लेनी है, क्योंकि ये भी फोर्स की यूनिट की और ये भी फोर्स की, डायमेंशनल फॉर्मूला तो फोर्स का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, पावर जो होगी वो सेम ही आएगी, इसकी ABC लेके चलो, इसकी ABC लेके चलोगे। लेकिन यहां पर मास चेंज हो जाएगा, ये केजी में, तो ये किस में होगा, ग्राम में, तो इसलिए मैं M2, L2 और T2 लेके चल रहा हूं बेटा। बात आ गई सब में सभी को? ओके, तो यहां से हम करेंगे N2 इज इक्वल्स टू N1। बात समझिएगा मेरी, एक काम करते हैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, पहले इसी में हम बात कर लेते हैं N2। देखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं N2, U1 को कैसे लिखा जाएगा,
यूएन को लिखा जाएगा बेटा एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी, टी टू की पावर सी। यूनिट को डायमेंशनल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हमने यूएन को डायमेंशनल फॉर्म में इसलिए ऐसे लिख लिया, यू टू को डायमेंशनल फॉर्म में ऐसे लिख लिया बेटा। और इधर क्या आ जाएगा एन वन, एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी और टी वन की पावर सी। अच्छा इनको सबको उधर चल जाओ, सिर्फ एम टू बचना चाहिए इधर, तो ये एम टू उसके नीचे जाएगा, एम वन की पावर बी है और एम टू की पावर बी है, तो ऐसे लिख लूं मैं, ये एन वन तो रहेगा एम वन अपॉन में एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन में एल टू की पावर बी और टी वन अपॉन में टी टू की पावर सी। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला जो आपको हेल्प करेगा वन न्यूटन को वन न्यूटन टेंस टू पावर फाइव डाइन इक्वल क्यों होता है, ये डायमेंशनल एनालिसिस से मिला हुआ फॉर्मूला है, यही आपकी हेल्प करेगा और इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल करवाए ताकि फॉर्मूला और भी अच्छी तरह से क्लियर आपको हो जाए। देखिएगा मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो बेटा ये जो फॉर्मूला है एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर, एन वन एम वन बाई एम टू की पावर ए, एल वन बाई एल टू की पावर बी, टी वन बाई टी टू की पावर सी। तो ये फॉर्मूला है बेटा, तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू डाई। देखिए बेटा वन न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है ये प्रूव करना है। तो देखो एन वन की वैल्यू तो दे दी वन, यहां पर जो एन टू आना था वो नहीं पता हमें, तो एन टू निकालना है हमें, है ना, तो यहां से एन टू निकालना। तो रखो बेटा वहां पर ये न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की बेटा, ये भी याद आपने रखना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स बताना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम वन एल वन और टी माइनस टू, ये सबको सबने याद रखना है बेटा, रखिए इस फॉर्मूले के अंदर। एन टू नहीं पता, एन वन पता है वन, एम वन मास केजी की फॉर्म में, एम वन की जगह रखोगे बेटा क्या वन केजी, और एम टू क्या है सीजीएस में तो वन ग्राम, इसलिए मैंने दोनों एम वन एम टू लेके चला था बेटा मैं, ठीक है। ए मास के ऊपर कितना आ रहा है वन, तो वन लिखो। एल वन क्या है वन मीटर, एम के सिस्टम में था, और यहां से एल टू क्या है सेंटीमीटर में, और यहां से एल की पावर आ रही है वन, तो बी की जगह लिखोगे बेटा वन। अच्छा टाइम क्या है सेकंड में, तो वन सेकंड, और वन सेकंड ही नीचे पावर आ गई माइनस टू, क्योंकि टाइम चाहे एमकेएस सिस्टम की बात करें चाहे सीजीएस की, टाइम सेकंड में ही दिया जाएगा हमेशा। एन टू तो बेटा यहां से वन केजी को लिख लो आप, हजार ग्राम नीचे आ जाएगा वन ग्राम, यहां से सौ सेंटीमीटर लिख लोगे वन मीटर की जगह, नीचे वन सेंटीमीटर है, इसको काट ही दो क्योंकि तो खत्म ही हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहां से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहां पर हजार गुणा सौ, तो एक के पीछे बेटा पांच जीरो आ जाएगी, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो दस की पावर पांच लिख दूं मैं, एन टू आ गया बेटा टेंस टू पावर फाइव, यानी कि आपका वन न्यूटन टेंस टू पावर फाइव डाइन के इक्वल होगा। ये इस डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज होता है बेटा, जो वन सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करके बताता है इसमें अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा हम करते हैं इसका, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा जो मैं करवा रहा हूं, बट ये है इससे आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। बुक को खोलकर बेटा आपने और भी क्वेश्चन इसके ऊपर निकालने की कोशिश करना। कन्वर्ट वन जूल, जूल किसकी यूनिट होती है एनर्जी, एनर्जी को जूल में नापते हैं, जूल इंटू अर्ग, अर्ग भी बेटा एनर्जी की यूनिट होती है, जूल बेटा एमके सिस्टम में जो होती है उसको एनर्जी की यूनिट को एमके सिस्टम में जूल बोलते हैं, और सीजीएस सिस्टम में बेटा अर्ग बोलते हैं। देखो बेटा वन जूल कन्वर्टेड इनटू अर्ग, तो एन वन तो पता लग गया हमें कितना है वन, एन टू नहीं पता कितना है क्योंकि यहां पर एन टू आना था, एन टू नहीं पता हमें कितना है, तो बेटा उस फॉर्मूले में रखिए एन टू नहीं पता, एन वन की जगह वन रख लिया, मास एम वन की जगह भाई एम के सिस्टम की बात करें तो केजी में लिया जाएगा, और ये ग्राम में, लेंथ मीटर में, और एल एम के सिस्टम में, और एल टू की जगह लिखेंगे वन सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, और टाइम सेकंड में, ये भी सेकंड में। अब इसी पावर ए बी सी की जगह क्या लिखे वो नहीं पता, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, डायमेंशनल
फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी होगा एम वन एल टू टी माइनस टू, ये होता है। तो ए की जगह वन, एल की पावर टू, बी की जगह टू, सी की जगह माइनस टू। तो बेटा आप इसको कन्वर्ट कीजिए, केजी को लिख लीजिए ग्राम में, वन ग्राम पावर वन है तो हटाई दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, सौ सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर, पावर आगे इसकी वन इसकी टू, ये काट ही दीजिए, इसको हटाई दीजिए बेटा। एन टू देखिए ये हजार, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर कैंसिल, हजार, और ये सौ की पावर दो तो चार जीरो होगी बेटा, तो तीन जीरो ये, चार जीरो ये, तो क्या आ गई दस की पावर सात। तो यानी कि ये कह सकते हो 1 जूल जो होगी बेटा वो 10 की पावर 7 अर्क के इक्वल होगी। तो ये था बेटा आपका फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूले का यूज, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, जो इम्पोर्टेंट थी बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करके दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी वैल्यू कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आसान सा एग्जाम्पल तो यही है कि जैसे 1 केजी को मैं 1000 ग्राम के इक्वल क्यों लिखता हूँ, ये मान के चलिए कि यहीं से पता लगा था। ठीक है, तो ये है बेटा, और इस पे क्वेश्चन करके देखिएगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।